मजलिस हिंद व साथी रक्तदाता समूह आम मुस्लिम समाज बाड़मेर की ओर से हिंद के जिलाध्यक्ष भूटा खान जुनेजा के जन्मदिन और नए साल के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। राजकीय अस्पताल के ब्लड बैंक में आयोजित हुए रक्तदान शिविर में समाज के युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। वहीं रक्तदाताओं का प्रमाण पत्र देकर हौसला अफजाई की गई। मजलिस ए हिंद साथी रक्तदाता समूह व आम मुस्लिम समाज बाड़मेर की ओर से मजलिस ए हिंद के जिलाध्यक्ष भूटा खान जुनेजा के जन्मदिन व नए साल के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। राजकीय अस्पताल के ब्लड बैंक में आयोजित हुए रक्तदान शिविर का पीएमओ डॉक्टर बीएल मंसूरिया, मजलिस ए हिंद के संस्थापक पप्पू भाई खिलजी, जामा मस्जिद के पेश इमाम हाजी लाल मोहम्मद सिद्दीकी ने फीता काटकर उद्घाटन किया। इस दौरान पीएमओ मंसूरिया ने रक्तदान की इस पहल पर मुस्लिम समाज की तारीफ करते हुए रक्तदान करने से होने वाले फायदों के बारे में जानकारी दी। वहीं मजलिस ए हिंद साथी रक्तदाता समूह द्वारा सभी अतिथियों का अभिनंदन भी किया। रक्तदान को लेकर युवाओं में भारी उत्साह नजर आया। सुबह से शुरू हुआ रक्तदान का सिलसिला देर शाम तक जारी रहा। शिविर में संबोधित करते हुए उपस्थित सभी अतिथियों ने रक्तदान को सबसे बड़ा दान बताते हुए रक्तदान के प्रति फैली भ्रांतियों को दूर करने की बात कही। शिविर में 51 यूनिट रक्तदान करने के साथ कई रक्तदाताओं के रक्त समूह की जांच की गई। शिविर में समाज के युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। वहीं रक्तदाताओं का मजलिस ए हिंद साथी रक्तदाता समूह व आम मुस्लिम समाज बाड़मेर की ओर से प्रमाण पत्र देकर हौसला अफजाई की गई। शिविर में मजलिस ए हिंद जैसलमेर के जिलाध्यक्ष यासीन कंधारी, साथी रक्तदाता के संयोजक अबरार मोहम्मद, मौलान मठार, एडवोकेट जावेद खान, इनायत खान नोहड़ी, मास्टर रफीक मोहम्मद, उपाध्यक्ष जमशेद खान, श्रवण सिंह, रेवंत सिंह सहित कई लोग व रक्तदाता उपस्थित रहे।